हाय फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार, आपका नमस्ते बनाया हुआ स्वागत है। और तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चाहे हम लोग जितना हो सकते हैं। और आदाब शुक्रिया जरूर करूँगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग की ही बदौलत से ये चैनल चल रहा है, और आप ही लोग की बदौलत से मेरी फर्स्ट यूट्यूब की इनकम आने वाली है। मैं उसकी वीडियो जरूर डालूंगा दोस्तों, शॉर्ट वीडियो डालूंगा जरूर उसको, आप लोग को थैंक्स बोलूंगा उसके लिए। और आप लोग ऐसे ही मेरा प्रमोशन करें, मुझे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो आज हम आपको ले चलने वाले हैं संकट मोचन, जो विश्व प्रसिद्ध बनारस का फेमस मंदिर है हनुमान जी का। और ये मंदिर बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और इसमें क्या है कि दोस्तों हम भगवान बजरंग बली का दर्शन नहीं करा सकते हनुमान जी का, क्योंकि यहाँ पे एक बार आतंकवादी हमला हो चुका है। इसकी वजह से सिक्योरिटी की वजह से कुछ भी फोन कोई चीज अलाउ नहीं है अंदर ले जाना है कैमरा तक, तो इसलिए हम लोग आपको गेट से ही दिखा आपको गेट पे ही दिखाएंगे। और आज का मंगलवार दिन है, इसलिए हम लोग मंगलवार के दिन ही आए हैं दोस्तों। और कोविड थोड़ा सा कोल्ड की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही दोस्तों, इसके लिए सॉरी बोलूंगा आपको वीडियो लेट देने के लिए ले आने के लिए। और दोस्तों एक बात और, एक नया ऐप है, उसका नाम सेम सिमिलर टिकटॉक है, टिकटॉक जैसा ऐप बना हुआ है, उसका नाम फायर वायर है। और आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि तो वो नॉर्मल बंदे ने बनाया, ना कि किसी कंपनी ने बनाया, ना कि बहुत बड़ा कोई आर्मी है उसका ऐप है, वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा है उसने बनाया है, और बहुत ही अच्छा ऐप है, उसे सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करवाएं दोस्तों, कि ताकि वो ऐप को और ऊपर तक जाए और प्रमोशन उस बीच उनका तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है दोस्तों, तो जरूर उसे डाउनलोड करें। और हम दोस्तों तो चले फिर मंदिर और बजरंगबली का दर्शन कर देते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों हम लोग चल दिए अंधेरा पुल से, संकट मोचन निकल लिए हैं। अंदरा पुल से आगे बढ़ गए हम लोग। अब हम लोग राइट मुड़ेंगे, सीधे चले जाएंगे तो चेतगन चले जाएंगे, और राइट मुड़ेंगे तो हम लोग जाएंगे सिगरा। और ये कोलकाता बाजार है दोस्तों, जस्ट उसी के बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्मृति भी है, और ये रहने खाने के लिए व्यवस्था भी है वहाँ पे। और ये दोस्तों चर्च है, छोटा सा बनारस में देखिए चर्च सजा हुआ है, ये बहुत अच्छा चर्च है। जस्ट उसके बगल में ही सिंह हॉस्पिटल है, और हम लोग लोहा मंडी पहुँच गए, लोहा मंडी तिराहे चौराहे पे पहुँच गए दोस्तों। लेफ्ट साइड में लोहा मंडी चला जाता है, और सामने दोस्तों विनायका प्लाजा दिख रहा है ये। ये हम लोग चौराहे पे आ गए हैं, ये चला जाएगा लहुराबीर, और इधर चला जाएगा इंग्लिशिया लाइन, और सीधे जाएंगे हम लोग सिगरा। राइट साइड में काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का बाउंड्री चल रही है। हम लोग फातमान रोड पे हो गए हैं दोस्तों, ठंड की वजह से थोड़ी खांसी हो गई है सर्दी के साथ साथ। 9 बज रहा है दोस्तों, हम लोग 9 बजे निकले हैं घर से।
काफ़ी शोरूम है फातमान रोड पे भी। अभी हम लोग फातमान रोड पे ही चल रहे हैं। ये देखिए इधर शोरूम है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ये देखिए आ गए हम लोग सिगरा थाना व्यस्त। देखिए शोरूम है, अब हम लोग आगे लेफ्ट साइड में बिग बाजार दिखेगा दोस्तों आपको। और सामने ये देखिए ठीक जेएसबी मॉल के सामने ये कितना बेहतरीन लग रहा है दोस्तों ये टंकी पानी की। और ये देखिए हम लोग से जेएसबी मॉल आ गए हैं दोस्तों। और हम लोग ब्रेकर्स किंग आ गए हैं दोस्तों। ये देखिए फ़ोन का शोरूम है। हम लोग मुड़ जाएंगे तिराहे से क्योंकि सीधे अगर इधर जाएंगे राइट साइड में तो फिर कैंटी स्टेशन पहुंच जाएंगे, और इधर चलेंगे तो हम लोग सिमकट मोचन जाएंगे। आगे ये आ गया दोस्तों हम लोग का स्टेडियम, सेगरा स्टेडियम है ये, राइट साइड में था ये। हम लोग आगे बढ़ गए हैं। ये विद्या आश्रम है दोस्तों। ये जो लो राइट साइड में बिल्डिंग दिख रही है दोस्तों ये कार्वे ऑफिस है, जहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड और बहुत कुछ चीज़ें बनती हैं। हम लोग कार्वे ऑफिस से आगे बढ़ गए हैं दोस्तों। अब हम लोग ये देखिए राइट साइड में KFC। और ये तिराहा आ गया, सिगरा तिराहा आ गया है। ये टाटा मोटर्स शोरूम है सिगरा तिराहा के पास। ये रिलायंस डिजिटल स्टोर है। ये हम लोग आ गए सिगरा चौराहा, जहाँ से राइट साइड में जाएंगे तो चले जाएंगे हम लोग DLW मड़ुआ डी रेलवे स्टेशन, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो गुरुधाम चले जाएंगे। हम लोग आगे चल रहे हैं, सीधे जाएंगे हम लोग। स्वास्तिक देखिए स्वर्ण से ये अच्छा सा शोरूम खुला हुआ है दोस्तों। इसमें बहुत खांस थोड़ी सर्द हो गई कोल्ड की वजह से दोस्तों। ये देखिए सबसे पुराना शोरूम है अपना। अब हम आ गए महमूरगंज चौराहे पे। ये राइट साइड में महमूरगंज चला जाता है दोस्तों। ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये जाता है गुरुधाम होते हुए गदौलिया। देखिए दोस्तों कितना अभी भी सिटी में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। 9:30 9:15 हो रहा है।
हम लोग चल दिए इस चौराहे से, लाइट था तो क्रॉस कर गए। बंगाली किला इंटर कर ले जाने वाला दोस्तों, लस्सी की दुकान है दोस्तों। लेकिन लस्सी खत्म हो गई है, लगा गए बढ़ रहे हैं कम अच्छा की ओर। ये दोस्तों बटुक भैरव के लिए रास्ता जाता है राइट साइड में, बटुक भैरव भगवान के लिए। इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी लाइटिंग का व्यवस्था सही नहीं है। लाइट लगी हुई है लेकिन जल नहीं रहे हैं, मतलब या तो लाइट कटी है या तो फ्यूज है या कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए अब हम लोग मुड़ेंगे राजबंधु, मिठाई की दुकान थी लेफ्ट साइड में, हम लोग राइट साइड टर्न लिए तिराए से। हम लोग कमच्छा की ओर चल गए। ये देखिए बहुत ही पुराना घर है बिल्डिंग। अब हम आ गए CHS, ये डिग्री कॉलेज है और इंटर कॉलेज है, ये BHU का ब्रांच है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं संकट मोचन के भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों फलों की मंडी लगती है सुबह, हर हर फल मिल जाएगा आपको यहाँ पे, सारा A to Z। ये देखो एक राइट साइड में जो बिजली घर है, राइट साइड में जल्दी का मार्केट है दोस्तों, बाउंड्री वाल है उसको बहुत अच्छा पेंटिंग किया गया है। Thank you.
आई पी विद्या पहुंच गया। आईपी विजय इसलिए नाम पड़ा दोस्तों कि विजय सिनेमा हॉल को तोड़ के बनाया गया है, इसलिए आईपी विजय नाम है। दुर्गा कुंड किराए पे है, हम लोग किराए से आगे चले गए हैं, सीधे जाएंगे लक्ष्मी राय बंगला। सामने जो दोस्तों गेट खुला लगा यहाँ से मंदिर है, मंदिर में खुला रहता है। अस्सी नाले का नाम जाना था, ये रहा राइट साइड में आपको दिख गया होगा, थोड़ा सा अंधेरा था पुलिया पे, हम पहुँच गए जल्दी। तो हमें राइट साइड में मुड़ना है, अगर हम सीधे जाएंगे मेगा शॉप के सामने से राइट साइड आना है, क्योंकि अगर हम सीधे जाएंगे तो ये चुप हो जाएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं संकट मोचन दोस्तों, मंदिर के पास में ही अगर कोई दिक्कत है, पैसे की कोई दिक्कत हो तो कुछ भी प्रॉब्लम आती तो सामने बैंक के कई एटीएम हैं दोस्तों। ये सामने आ रहा है संकट मोचन, बजरंग बली भगवान का मंदिर दिखा रहा हूँ, देखिए कितना पुराना मंदिर है। और ये देखिए ये हमारा दोस्त सौरभ केसरी जिसके साथ हम लोग आए हैं, देखिए आगे से। अरे ये मेरा कैमरा मैन जो हमेशा इसका उफ नाम पनीर है, हम लोग इसको पनीर भाई बुलाते हैं, टोपी लगाया हुआ है ये गड़बो भाई। पनीर इसलिए नाम पड़ा कि जब भी कुछ पार्टी होती थी इसको पनीर की बहुत जरूरत थी, इसलिए हम लोग इसका नाम पनीर भाई रख दिए हैं। आप लोग को इसका नाम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करें कमेंट। अंदर हम देख लीजिए जूम कर रहा हूँ, ये देखिए सिक्योरिटी लगी हुई है वह फोटो भी खींच दोस्तों। मैं आ गया हूँ, मटको हटा दो दोस्तों, मैं आ गया हूँ।
बहुत ठंड है, देखिए मैंने बंद कर लिया था, मास्क लगा के आया हूँ दोस्तों। हम लोग फोटो शूट भी करा रहे थे थोड़ा बहुत, हम लोग बात कर रहे थे, इधर हमारा पनीर किसी फोन पर बात कर रहा था किसी के साथ।